अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवेरा क्रिएशन। ये मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक के गले की कटिंग करने के साथ साथ मैंने ये बाजू की भी कटिंग करके रखी हुई है। अब मैं इसके ऊपर लेस और इसके साथ जो बॉर्डर था उसके साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैं शर्ट की आपके साथ साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग आज शेयर करने लगी हूँ। सो सबसे पहले मैंने ये शर्ट की फ्रंट साइड ली है। अब ये फ्रंट साइड को मैंने उल्टा करके रख लिया है। इसके ऊपर मैं गला 3.5 इंच चौड़ा ले रही हूँ और इसकी लंबाई पे निशान लगाने लगी हूँ, जो कि मैंने 6.5 इंच लिया है। ये मैं वी टाइप गला बनाने लगी हूँ, तो मैंने टेढ़ी लाइन लगानी है। ये मेरे पास वी तैयार हो गई है। अब ये जो बॉर्डर का कपड़ा था इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये मैंने वी के साथ इसकी पेमाइश कर लेनी है कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए, और यहाँ से मैंने ये कपड़ा कटिंग करके अलग कर लेना है। अब इसको दरमियान से कटिंग करके 2 पीस बना रही हूँ। ये जो मैंने 2 पीस बनाए हैं इसको एक साइड से तिरछा फोल्ड करने के बाद सिलाई करूँगी। ये मैंने जो तिरछा फोल्ड किया था उसके ऊपर एक लाइन लगा रही हूँ। अब इसको सिलाई करने के लिए पहले कटिंग कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसके ऊपर सिलाई लगा कर ये मैंने वी तैयार कर ली है। अब इस वी के ऊपर मैं पेपर पट्टी लगाने लगी हूँ, जो कि मैंने पहले से कटिंग करके रखी है। ये दोनों तरफ मैं पेपर पट्टी के पीस लगा रही हूँ। ये मेरे पास वी शेप बन गई है गले की। अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी थी इसको मैंने कटिंग कर दिया है। इसके ऊपर अब मैं लैस यूज़ करने लगी हूँ। ये मैंने छोटे साइज़ की लैस ली है, जो कि मैं वी के बाहर की तरफ लैस का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसको तैयार कर रही हूँ। अब ये जो मैंने लैस लगाई है इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ के इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से इसको बिठा लिया है। अब एक्स्ट्रा लैस कटिंग करने के बाद ये जो मैंने वी गला तैयार किया था ये मैं शर्ट पर अटैच करने लगी हूँ। ये मैं वी गले की नोक शर्ट के बिल्कुल दरमियान में रख कर इसको तैयार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी कि गला अंदर की तरफ मुड़े नहीं। अब इसके बाद जो मैंने लैस लगाई थी उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था, इसके किनारे के ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाकर ये गला तैयार कर रही हूँ। ये मेरा फ्रंट साइड का गला तैयार हो गया है। अब मैं बैक साइड पर अरेब में पट्टी कटिंग करने के बाद इसको मगजी लगा रही हूँ। ये मैंने जोड़ने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है कि ये मगजी अंदर की तरफ अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो जाए। अब ये जो बैक साइड का गला तैयार किया है इसको फ्रंट साइड के गले के साथ जोड़ते हुए ये मगजी को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है और इसके तीरे को सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह मैंने दूसरी साइड का तीरा भी सिलाई करके फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ देना है। अब ये जो मैंने मगजी लगाई थी यहाँ से देखिए गुम सिलाई में लगी है, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर बैक साइड का गला तैयार कर रही हूँ। ये दोनों साइड को जोड़ने के बाद अब मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है। मुझे चेस्ट से 19 इंच चाहिए, तो मैं 19 पे निशान लगा रही हूँ, और मुझे फिटिंग 17 इंच चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 17 का एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल के इस पर निशान लगा लूँगी। इसी तरह मुझे हिप से 21 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 21 पे निशान लगाया है। अब इन तीनों को मिलाकर मैं फिटिंग की सिलाई का एक लाइन बना लूँगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर रख के मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये मैंने एक साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाई है और यहाँ से चाक से मैंने इसको पक्का कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई चाक वाली साइड से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने निशान इस तरफ लगाया था। आप दूसरी तरफ से भी लगा सकते हैं। ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा टेढ़ा कटिंग करना है कपड़ा, जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। दोनों साइड से मैंने ये टेढ़ा कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब ये जो मैंने टेढ़ा कपड़ा कटिंग किया था इसको मैंने फ्रंट साइड की तरफ मोड़ना है। जो कपड़े का सीधा रुख है मैं उसकी तरफ मोड़ रही हूँ। इसको मोड़ने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेस करके एक तह बिठा ली है,
दोनों तरफ मैंने चाक पे इसको प्रेस करने के बाद तह बैठा लेनी है। इसी तरह मैंने दामन के ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, तो मैं 2 पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद इसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पर भी प्रेस से लाइन बना लेनी है। अब ये जो मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है, तो उसके साथ ये मैं फ़िटिंग के साथ साथ लैस रख कर इसको लगाऊंगी। फुल लेंथ तक मैंने ये लैस लगानी है। अब ये मैं फ़िटिंग पे लैस लगाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये जो सिलाई का कपड़ा है उसको बैक साइड पे कर देना है और फ्रंट वाली साइड के ऊपर मैं लैस रख कर लगा रही हूँ। आपने लैस को खींचना नहीं है और ना ही कपड़े को खींचना है, आपने लैस को थोड़ा सा लूज़ रख के लगाना है ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। ये मैं फ़िटिंग वाली साइड पे लैस लगा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही इजी तरीका है लैस लगाने का, जिससे कोई झोल भी नहीं होता। और जो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया था वो मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया हुआ था, इसी तरह वो लैस के अंदर दबा कर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा कर तैयार कर लूँगी। ये अभी मैंने लैस की एक साइड पे सिलाई लगाई है। नीचे से जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वहाँ से मैंने कटिंग कर दिया है। अब मैं लैस के दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा रही हूँ। ये हल्के हाथों आपने लैस को रखना है, इसको खींचना नहीं है। अब इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी लैस लगानी है, जो कि मैं चाक की तरफ से लगा रही हूँ। ये चाक की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको लैस के अंदर दबाते हुए मैंने फुल फिटिंग तक इसको लगाना है। ये मैंने जहाँ तक कंधा इसका तैयार करना है वहाँ तक इसको लगाने के बाद एक्स्ट्रा लैस को कटिंग कर दिया है। अब इसकी दूसरी तरफ भी मैं सिलाई लगाकर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। ये मैंने दोनों तरफ फिटिंग साइड पे लैस लगाई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लगी है और डिज़ाइनिंग हो गई है। अब ये मैं बाजू तैयार कर रही हूँ, मैंने बाजू के ऊपर लैस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये मैंने लैस लगाई है ये 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। अब ये कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर तरपाई कर ली है। अब मैं इसकी सिलाई लगाकर ये बाजू तैयार कर रही हूँ। ये मैंने बाजू को जोड़ लिया है, अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो इसके बाद अब मैंने जो शर्ट को फ़िटिंग की सिलाई और लैस लगाने के बाद तैयार किया था, इसके साथ ही ये मैं बाजू अटैच कर रही हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल ऊपर से दरमियान से पकड़ा है और नीचे जो सिलाई लगाई हुई है फ़िटिंग की वहाँ से पकड़ कर इसको गुलाई में जोड़ रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है बाजू लगाने का, इससे बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ बाजू लगता है। इसी तरह मैं दूसरी साइड का बाजू भी अटैच कर लूँगी। ये बाजू लगाने के बाद अब ये जो मैंने दामन पे डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने बॉर्डर का कपड़ा लिया है। अब मैंने इसको फोल्ड करने के बाद इसका 2 इंच कपड़ा मैंने कटिंग करना है। इसी तरह ये सारे मैंने बॉर्डर के 2 इंच पे पीस कट कर लेना है। इनको कट करने के बाद इसको दो तरफ से सिलाई करके एक बॉक्स बना रही हूँ। अब मैंने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, सीधा करने के बाद मेरे पास बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में रेडी हो गया है। अब मैंने इसको दामन के ऊपर लगाना है। ये मैंने प्रेस करके रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ये सारे दामन पर तकरीबन 1 इंच के गैप के ऊपर मैंने इसको रख के सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह ये मैंने बैक साइड के दामन पर भी यही पट्टियाँ जो तैयार की हैं वो 1 इंच के गैप पर मैंने लगानी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन और ये स्टाइल बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। ये लगाने के बाद ये मैंने इसके ऊपर कपड़े को जो 2 इंच रखा हुआ था फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब ये गुम सिलाई में हो गए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर तरपाई कर लूँगी। ये मेरा दामन तैयार हो गया है। इसी तरह ये मैंने बैक साइड पर भी लगाने के बाद ये दामन तैयार कर लिया है। अब बैक साइड का जो चाक है उसके ऊपर मैंने ये ट्राउज़र के फैब्रिक का पलटा लिया है। ये मैं इसके ऊपर पलटा लगा रही हूँ। ये मैंने बैक साइड के दोनों चाक के ऊपर पलटा लगाकर इसको तैयार कर लेना है। ये पलटा लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लेना है और फोल्ड कर रही हूँ ताकि इसको मैं तरपाई करूँ तो जल्दी और आसानी से हो जाए।
ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको तरपाई करके तैयार कर लूँगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसी तरह सिंपल से बाजू भी रेडी हैं और साइड फिटिंग पे ये लैस लगाने के साथ शर्ट की खूबसूरती में बहुत इजाफा हो गया है। और ये लैस इस तरीके से लगी है कि यहाँ पर कोई झोल भी नज़र नहीं आ रहा। और ये बहुत ही प्यारा सा दामन का स्टाइल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो का लिंक अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी नई वीडियोज़ देखने के साथ साथ नए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें।